दोस्त, कोका कोला दुनिया का नंबर वन कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रिंक गलती से बन गया था। इस वीडियो में मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जो गलती से बन गई थी, लेकिन वे आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन गई है। बाइक डीजल पर क्यों नहीं चलती? अगर गलती से भी बाइक में डीजल डाल ले तो क्या होगा? हम जो अंडे खाते हैं वो वेज है या नॉन वेज? और लड्डू का आकार गोल ही क्यों होता है? आप तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाइक, कार, ट्रक एंड हवाई जहाज सभी को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार का फ्यूल होता है। ट्रक जैसे बड़े व्हीकल भी डीजल इंजन पर चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइक्स डीजल से क्यों नहीं चलती? बाइक इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद सिर्फ पेट्रोल से चलती है। फ्यूल की प्राइस के लिहाज से डीजल सबसे सस्ता ईंधन है। दोस्तों, आपके मन में यह बात जरूर आई होगी कि अगर आपकी बाइक पेट्रोल की बजाय डीजल से चलती तो आपके कितने पैसे बचते, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। बाइक सिर्फ पेट्रोल से ही चलती है, डीजल से नहीं। लेकिन आइए जाने कि ऐसा क्यों होता है। पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस फ्यूल जलाने की टेक्निक में है। इनफैक्ट डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता, जबकि पेट्रोल इंजन में होता है। ऐसे में अगर बाइक को डीजल से चलाया जाएगा तो इंजन पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही डीजल पेट्रोल की तुलना में कई अधिक दबाव पैदा करने में सक्षम है। डीजल इंजन पेट्रोल की तुलना में कई अधिक पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, बट सिंस बाइक इज अ स्मॉल व्हीकल, इसलिए इसमें उतनी पावर की जरूरत नहीं होती। इसलिए बाइक चलाने के लिए डीजल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा डीजल इंजन का निर्माण भी महंगा है। अगर कंपनियां बाइक में डीजल इंजन देना शुरू कर दे तो बाइक की कीमत काफी बढ़ जाएगी और बड़े इंजन के कारण बाइक का साइज भी खराब हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर हम गलती से बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दे तो क्या होगा? अगर गलती से भी बाइक के अंदर डीजल ढाला जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे में इंजन खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इस सिचुएशन में बाइक को जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। दोस्तों, एक स्टडीज में पाया गया है कि एक लड़की द्वारा किसी अजनबी लड़के को अपना पर्सनल फोन नंबर देने की संभावना तब अधिक होती है जब उस अजनबी के हाथ में एक गिटार हो। यानी आपसे अगर आपको किसी लड़की का नंबर लेना है तो आपको अपने साथ गिटार ले जाना होगा। तो आप में से कौन कौन गिटार खरीदने जा रहा है मुझे कॉमेंट में बताए। भारत में कोई भी गुड न्यूज हो या अच्छा काम हो, तुरंत मुंह मीठा करने की बात होती है। मुंह मीठा करने के लिए जो सबसे कॉमन स्वीट है वो है लड्डू। लॉर्ड गणेश का परम पसंदीदा भोजन ये लड्डू है। मिठाई में लड्डू की खूब डिमांड रहती है, लेकिन क्या आपने सोचा है लड्डू गोल ही क्यों मनाया जाता है? लड्डू तो लगभग सभी लोग खाते हैं, लेकिन 99% लोग ही इसका असली कारण नहीं जानते। क्या है लड्डू की कहानी, आइए जानते हैं। लड्डुओं के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये काफी सदियों पुराना है। इतिहास के एक्सपर्ट बताते हैं कि 4th century लड्डुओं का आविष्कार हुआ था। इंडिया के महान चिकित्सक सुश्रुता ने दुनिया के सामने ये चीज रखी थी। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने लड्डू का इस्तेमाल एक मेडिसिन के तौर पर किया था। आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो लड्डू बनाए जाते हैं वो गोल होते हैं और काफी बड़े होते हैं। लेकिन पहले की बात की जाए तो लड्डू दवाई के रूप में इस्तेमाल होते थे, इसलिए उनका आकार छोटा रखा जाता था। जैगरी, शहद, तिल और अन्य चीजों को ग्राइंड करके उनका मिक्सचर तैयार किया जाता था एंड उससे लड्डू बनाया जाता था। तो कह सकते हैं कि समय के साथ साथ लड्डू के आकार में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले साइज छोटा था, अब बड़ा हो गया है, लेकिन लड्डू हमेशा से गोल ही रहा था। चूंकि लड्डू भगवान गणेश का पसंदीदा भोजन है, इसलिए कॉमेंट में जय जय गणेश लिखे। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोल्स होते हैं जो हार्ट और ब्रेन के स्वास्थ्य को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, पीएमएस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और डायबिटीज प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से आर्टरीज चौड़ी होती है और हेल्दी ब्लड फ्लो को बढ़ावा मिलता है, जो धमनियों को ब्लॉक करने वाले प्लाक के निर्माण को रोक सकता है। तो
तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को डार्क चॉकलेट खिलाने से कुछ नहीं होगा, आपसे खुद भी खाए डार्क चॉकलेट। अपने बॉडी को भी तो फिट रखना होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात में खाना खाने के बाद भी आधी रात को दोबारा भूख लगती है। कई लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई गुब्बारा नहीं है जो इसे इतने हल्के में लेते हैं। यदि ये लंबे समय तक जारी रहता है तो एक एक्सट्रीम खतरा आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये किसी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम है। मेडिकली इसे नाइट ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लगभग 100 में से एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। नाइट ईटिंग डिसऑर्डर से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और वेरियस लॉन्ग टर्म बीमारियां हो सकती है। आप आइए जानें कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रात में लंबे समय तक जागने से आपको भूख लगने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए रात को खाने के बाद सोने से पहले अपने मन को शांत करने के लिए कुछ देर मेडिटेशन करें। इसमें मन और ब्रेन दोनों एकाग्र हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपको रात में बहुत गहरी नींद आएगी, और अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपको रात में भूख नहीं लगेगी। दोस्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट इट। हर साल के अंत में कंपनियां अपना पूरे साल का डेटा शेयर करती है, तो स्विगी ने अपनी भी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें देश भर का डेटा है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद आपकी रिएक्शन भी कुछ ऐसी हो जाएगी। स्विगी की रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति ने साल 2023 में स्विगी ऐप से 42,30,000 रुपये का खाना ऑर्डर किया है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सुनकर आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। इस साल आपने स्विगी से टोटल कितना अमाउंट का खाना ऑर्डर किया है मुझे कमेंट करके बताएं। दुनिया भर में एक व्यक्ति हर साल औसतन 161 अंडे खाता है, और एक अंडे को 6 मिनट से ज्यादा नहीं उबलना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर हमारे मन में आता है वो ये है कि जो अंडा हम खाते हैं वो वेज है या नॉन वेज। चलिए जानते हैं। चूंकि ये मुर्गी नामक जीवित जानवर के बॉडी से बनता है, इसलिए कई लोग अंडे को नॉन वेज मानते हैं। कई लोग तो इस वजह से अंडे खाने से दूरी बना लेते हैं। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे जानने के बाद जो लोग अंडा नहीं खाते थे वो फिर से अंडा खाना शुरू कर देंगे। लंबे रिसर्च के बाद साइंटिस्ट का कहना है कि अंडा नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये शाकाहारी फूड है। क्योंकि अंडे का सफेद पार्ट प्रोटीन से बना होता है। हम जो अंडे खरीदते हैं वे निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड अंडे नहीं होते हैं, इसलिए भ्रूण बनने और मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सो इट वॉज प्रूफ दैट अंडा एक शाकाहारी फूड है। दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला का खोज अचानक हुई थी। इस ड्रिंक की इन्वेंशन दुर्घटनावश हुई थी। इसे बनाया था फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन। वो हेडेक और सर्दी से बचाव के लिए सिरप बना रहे थे जिसमें वाइन और कोला को मिला दिया था। बाद में उन्होंने इस सिरप से वाइन निकालकर कार्बोनेट मिलाया और कोका कोला तैयार हो गया। भाई, ये तो सच में अमेजिंग था। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोवेव ओवन एक ऐसी चीज़ है जिसका आविष्कार भी गलती से हुआ था, और ये एक्सीडेंटल क्रिएशन आज डेली लाइफ में अत्यंत इम्पॉर्टेंट वस्तु बन गई है। 1945 में स्पेंसर रेथियन कॉरपोरेशन में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते समय वे मैग्नेट्रॉन नामक एक नई वैक्यूम ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक उनकी पॉकेट में रखी कैंडी बार पिघलने लगी। इसके बाद उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए पॉपकॉर्न लिया, और जब पॉपकॉर्न भी फूटने लगा तो उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को नोटिस किया एंड 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया जो अब मेरे घर में है। दोस्तों, हम सबको पोटैटो चिप्स खाना कितना पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इन्वेंशन गुस्से में किया गया था। दरअसल एक रेस्टोरेंट में एक कुक था जिसका नाम था जॉर्ज क्राम। एक दिन एक कस्टमर बार बार उनका बनाया हुआ फ्राई पोटैटो ये कहकर वापस कर दे रहा था कि ये ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर फ्राई किया और फिर नमक डालकर सर्व किया, जो कस्टमर को पसंद आ गया। गुस्से में इस तरह से पोटैटो चिप्स की शुरुआत हुई, और उस गुस्से से बनी चीज को आज हम 10 रुपया खर्च करके खरीद कर खा रहे हैं। मजा आया।
अब मुझे समझ में आया कि चिप्स के पैकेट का ज्यादातर हिस्सा हवा से क्यों भरा होता है, क्योंकि पोटैटो चिप्स गुस्से में बनाया गया था, इसलिए कंपनियां गुस्से की वजह से ही चिप्स के पैकेट में ज्यादा हवा भर देती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड नील्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने माता पिता का ख्याल रखें।